Hello everyone, welcome to my channel Dr. Gunjan's Classes. I'm Dr. Gunjan and today we are going to do the part 7 of chapter number 4, that is carbon and its compounds. So carbon or carbon compounds ka part 7 karne wale hain aaj hum log. Ye class 10th ka aapka chapter number 4 hai. Iski 6 parts hum already kar chuke hain aur is chapter ko maine 10 parts mein divide kiya hai. तो इसकी सारे की सारे अदर जो हमारी वीडियोस हैं, अदर पार्ट्स की वीडियोस हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिंक्स मेंशन कर दिए हैं. सो काइंडली गो थ्रू देम एंड कंप्लीट दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो. आज हम बात कर रहे हैं हमारे पार्ट 7 की. तो आज हम देख लेते हैं कि इसमें कौन से टॉपिक्स वी विल बी कवरिंग. तो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड करने वाले हैं आज. तो इसमें बेसिकली तीन रिएक्शन करेंगे, कंबशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ये 4 रिएक्शन हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में करने वाले हैं आज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज कंबशन प्रॉपर्टी, दैट इज कंबशन ऑफ द कार्बन कंपाउंड. तो कंबशन ऑफ द कार्बन कंपाउंड में क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि जब भी कोई भी कार्बन कंपाउंड एयर में यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जब कोई भी कार्बन कंपाउंड एयर से रिएक्ट करता है या ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या क्या देता है? तो देता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर देता है, वो हीट रिलीज करता है और लाइट फॉर्म करता है, ठीक है. तो क्या होता है कंप्लीट कंबशन में कार्बन कंपाउंड के, कि कोई भी कार्बन कंपाउंड जब पूरी की पूरी सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, वाटर फॉर्म करता है और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है. तो आप इसमें रिएक्शन देख सकते हैं. जब हम बात कर रहे हैं CH3CH2OH यानी कि C2H5OH की बात करें, जब ये ऑक्सीजन से कंबाइन करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करती है, वाटर फॉर्म करती है, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करती है. सिमिलरली जब कार्बन बर्न करते हैं एयर में या ऑक्सीजन में, ये एक रिएक्शन सिंपल कार्बन, तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट तीनों की तीनों चीजें दे रहा है. तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, अभी आप समझ सकते हैं कि सैचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं. तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो का हाइड्रोकार्बन जैसे कि एल्केन जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है ना, तो जो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो ब्लू फ्लेम से बर्न करते हैं. क्योंकि जब सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो बर्न करते हैं तो वो ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं और ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है. पर जब लिमिटेड सप्लाई होती है एयर की, ठीक है, तो जब लिमिटेड सप्लाई होती है एयर की या लिमिटेड सप्लाई होती है ऑक्सीजन की तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ब्लू फ्लेम नहीं प्रोड्यूस करते, ठीक है, ये एक सूटी फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं जो येलो कलर की होती है, सूटी सी फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है. तो जैसे कि आप देख सकते हैं मतलब आप अगर नॉर्मली गैस ऑन करते हैं अपने घर में, गैस बर्नर ऑन करते हैं तो ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होती है ना, बिकॉज सफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो बर्न कर रहे हैं, ठीक है. कोई ब्लू फ्लेम मतलब कंबशन रिएक्शन होती है वो ब्लू फ्लेम देते हैं, ठीक है. जबकि आप स्टोव वगैरह में देख सकते हैं, ठीक है, स्टोव वगैरह में क्या होता है, समटाइम्स एक सूटी सी फ्लेम प्रोड्यूस होती है जो बर्तनों को भी काला कर देती है ना, तो वो उसमें क्या होता है कि उसके पास सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है. और ये तो होगी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है. अब हम बात करते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की. तो जब इनके अंदर कंबशन रिएक्शन होती है तो इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है तो ये येलो कलर का स्मोकी फ्लेम देते हैं. ये कौन से कलर का फ्लेम देते हैं? येलो स्मोकी फ्लेम, ठीक है. तो गैस और केरोसिन स्टोव जो घर में यूज करते हैं तो उनमें एयर का इनलेट होता है, है ना, एयर का इनलेट होता है ताकि जो बर्निंग होके वो क्लीन ब्लू फ्लेम दे सके, है ना, क्लीन दे सके, क्योंकि वो बहुत अच्छी होती है. बट अगर वो क्लीन नहीं होती तो वो थोड़ी सी हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करती है ना, वो इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और वो सूटी फ्लेम प्रोड्यूस करती है ना. तो अब अगर आप बात करेंगे कोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, कोल या पेट्रोलियम तो जब ये बर्न करते हैं तो इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है तो वो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन
और सल्फर फॉर्म कर देती है, ठीक है। तो जो इसके अंदर कोल और पेट्रोलियम में नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट होते हैं, तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ कंबाइन करते हैं तो ये ऑक्साइड्स बना देते हैं नाइट्रोजन के और सल्फर के, जो कि मेजर पॉल्यूटेंट है। क्या है? मेजर पॉल्यूटेंट है। तो जब भी कोल और पेट्रोलियम जो होता है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ बर्न करके इनके ऑक्साइड्स बना देते हैं और ये पॉल्यूटेंट का काम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कंबशन रिएक्शन। तो कंबशन रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा, कार्बन कंपाउंड या कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो ऑक्सीजन की सफिशियंट सप्लाई में तो वो क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, हीट एंड लाइट, ठीक है। पर जब इनसफिशियंट सप्लाई होती है तो क्या होता है कि सूटी फ्लेम प्रोड्यूस होती है ना, सूटी फ्लेम प्रोड्यूस होती है, धुएं वाली, धुआंदार, है ना। तो दिस इज अबाउट योर कंबशन रिएक्शन। सेकेंड इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन जब होती है तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, ठीक है। तो जो कभी भी इसमें ऑक्सीडेशन में हम लोग बात कर रहे हैं इथेनॉल की, इथेनॉल यानी OH ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो जब किसी एल्केन के साथ अल्कोहलिक ग्रुप लगा होगा तो क्या बन जाएगा वो अल्कोहल, ठीक है, इथेनॉल, ठीक है। जब इथेनॉल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होती है इसकी, तो ये क्या बना देता है, एसिड, इथेनोइक एसिड फॉर्म कर देता है। तो ऑक्सीडेशन इथेनॉल की इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिव्स अस इथेनोइक एसिड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या करते हैं, उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो जब इथेनॉल की ऑक्सीडेशन होगी तो वो क्या बनाएगा, एसिड, एसिड बनाएगा। अल्कोहल क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। तो इथेनॉल जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में हीट करेंगे उसको हायर टेम्परेचर पे, तो वो फॉर्म कर देता है इथेनोइक एसिड। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से यूज हो सकते हैं, अल्कलाइन KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, दैट इज K2Cr2O7। ये है हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट और ये है हमारा पोटेशियम पोटेशियम परमैंगनेट, अल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7। तो इन दोनों में से कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब प्रेजेंट होगा तो इथेनॉल हमारा इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सके, दूसरे को कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन। ये हमने पढ़ा था हमारे सेकेंड चैप्टर में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में क्या होता है, ऑक्सीडेशन कर देते हैं दूसरे की, और ऑक्सीडेशन का क्या काम है, ऑक्सीजन की एडिशन, है ना, ऑक्सीजन की एडिशन हो गई। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गई, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना, अल्कलाइन KMnO4 हो गया, या एसिडिफाइड K2Cr2O7। तो ये हमारी सेकेंड रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। थर्ड आ जाती है हमारी एडिशन रिएक्शन। सो एडिशन में क्या होगा, कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जब डाई हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, यानी कि दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, अनसैचुरेटेड मींस डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन में जब डाई हाइड्रोजन ऐड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या फिर पैलेडियम या फिर प्लैटिनम, तीन तरह के कैटलिस्ट हो सकते हैं, निकल, प्लैटिनम या फिर पैलेडियम, ठीक है, और वो क्या बना देते हैं हमारे अल्केन बना देते हैं, ठीक है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं एडिशन रिएक्शन या फिर हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन की एडिशन कर देना, ठीक है, हाइड्रोजन की एडिशन कर देना, डबल बॉन्ड को रिमूव करके सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट कर देना, दैट इज कॉल्ड एज एडिशन रिएक्शन या फिर हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। सो दो तरह की रिएक्शन होती है, सॉरी दो तरह के नाम है इस रिएक्शन के, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन या फिर एडिशन रिएक्शन। तो कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले लीजिए, जैसे इथीन ले लिया हमने, ठीक है, इसमें हमने डाई हाइड्रोजन ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, क्या बन गया, इथेन, क्योंकि ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर लग गया, एक हाइड्रोजन इधर लग गया, इसको लगने के लिए इसका डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा इथेन। सो दिस इज अबाउट योर एडिशन रिएक्शन। बट एडिशन रिएक्शन की एक एग्जाम्पल है वेजिटेबल ऑयल, जो प्रोसेस होता है वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने का, उसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल। तो ये अनसैचुरेटेड फैट होता है, इसकी हाइड्रोजिनेशन करके
इसको इस तरह से हम लोग घी में कन्वर्ट कर देते हैं इस ऑयल्स को. तो जब ठीक है ये बन जाते हैं हमारा घी, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बन जाता है. तो ये रिएक्शन कौन सी होगी? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन. तो जो सब्सटेंसेस इसको करने के लिए, इस रिएक्शन को फास्टन अप करने के लिए यूज किए जाते हैं उसको बोला जाता है कैटलिस्ट. कैटलिस्ट क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस विच आर यूज टू इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन विदाउट कंज्यूमिंग इट. ठीक है, सो substances that cause the reaction to occur at or proceeds at a different rate without consuming it, they are called as catalyst. Or catalyst kaun se hote hain? Nickel, platinum and palladium. Aur ye process, theek hai, is process ko kya bola jata hai jisme catalyst use hote hain? unsaturated hydrocarbons ko saturated banane ke liye, theek hai, usko bolte hain hydrogenation reaction. तो जो हमारे एनिमल फैट्स होते हैं वो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, वो बहुत हार्मफुल होते हैं हेल्थ के लिए. तो आप लोगों ने बेसिकली अपने कमर्शियल एड्स में भी देखा होगा कि बोला जाता है कि वेजिटेबल ऑयल्स आर गुड फॉर हेल्थ, दे आर वेरी हेल्दी. सब 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 एड्स में ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि उनके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत गुड होते हैं. वेजिटेबल ऑयल्स जितने भी होते हैं उनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं. जबकि एनिमल फैट्स में सैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं हमारी हेल्थ. सो दिस इज अबाउट योर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन. देन वी आर गोइंग टू डू दी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कोई भी एक हाइड्रोजन एटम, ठीक है, कार्बन कंपाउंड का एक हाइड्रोजन एटम किसी दूसरे एटम से या ग्रुप ऑफ एटम से, ठीक है, रिप्लेस हो जाए इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. सो दैट इज टर्म्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सब्स्टिट्यूट कर देना. सपोज ये एग्जांपल देखिए आप यहाँ पे यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए. तो यहाँ पे मिथेन है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा के अगर हम लोग क्लोरीन लगा गए, ठीक है, क्लोरीन ने अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, सो दिस इज टर्म्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. यूजुअली जो हमारे ये होते हैं कंपाउंड होते हैं कि दीज आर लीस्ट रिएक्टिव, तो ऐसे ये काम नहीं करते, इसलिए इनको कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है. तो कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट में जो क्लोरीन है वो क्या करेगा? हाइड्रोजन को हटा के खुद लग जाएगा वहां पे, और बाकी मतलब एक हाइड्रोजन को हटा के साथ में जुड़ जाएगा. तो सब्स्टिट्यूट कर दिया उसने एक हाइड्रोजन को और बना दिया क्लोरोमीथेन. मीथेन को क्या बना दिया? क्लोरोमीथेन. हमने नॉमेनक्लेचर कर चुके हैं अभी किया हमने. ट्राई कीजिए इसका नेम करने का. जब कोई भी एल्केन में एक हैलोजन ग्रुप लगता है, क्लोरीन लगता है, तो बन जाएगा क्लोरो, क्लोरो प्रीफिक्स लगेगा, तो क्लोरोमीथेन. तो क्लोरोमीथेन बना दिया इसने, ठीक है. सो दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं. ये हमारा एक सपोज बेंजीन रिंग दे रखी है यहाँ पे, तो ये सिक्स कार्बन कंपाउंड है. तो यहाँ पे आपको क्या बोलेंगे, हेक्सेन में क्या किया इन्होंने? एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे क्या लगा दिया? क्लोरीन लगा दिया. ये क्या होगी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ठीक है. सो दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो हमने चार रिएक्शंस कर ली, कंबशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कार्बन, दो कार्बन इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिनकी इंडस्ट्रियल वैल्यू बहुत ज्यादा है, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं. तो हम फर्स्ट कंपाउंड पढ़ने वाले हैं इथेनॉल, इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग देखने वाले हैं. सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर विद यू. And if you have any doubts, you know what to do. You can contact me at my email ID or you can comment me in the comment box. Okay. And if you like this video, then please press the like button and share this video with your friends. And don't forget to subscribe my channel. Thank you so much. Bye-bye.